अरे हो बाबू जी, ओ बेटा जी, जिंदगी की हवा कभी गरम कभी नरम, कभी गरम नरम कभी गरम नरम कभी गरम नरम कभी गरम। लो भैया सुबह सुबह जाने का समय हो गया काम पे, जरा सुनीता को आवाज लगा देता हूँ। अरे सुनीता, ओ सुनीता, अरे तुम जब देखो आती रहती। क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे भाई काम पे जाने को देर हो रही है, है? एक बात बताओ, खाना बना दिया? हाँ खाना तो मैंने बना दिया। और दोपहर का नाश्ता लंच बांध दिया? हाँ लंच भी पैक कर दिया आपका। ठीक है, शाम को जब मैं बाजार से लौटूंगा तो घर के लिए सब्जी लेता हुआ आऊंगा। और हाँ सुनो, वो आलू प्याज भी खत्म हो रहे हैं, वो भी लेते ले आना, और धनिया मिर्ची फ्री में डलवा लाना। अरे तुम बोलोगी ना टमाटर भी ले आऊंगा। ठीक है ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। देखा आपने, ये है किशन लाल और उनकी पत्नी। ये अभी आपको बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना किया है। और वो कौन सी कठिनाइयाँ, कौन सी मुश्किलें हैं, आइए एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। अजी सुनते हो? अरे मैंने कहा सुनते हो? अरे क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अरे मैं ये कह रही थी कि आज आपकी छुट्टी है, तो क्यों ना कहीं बाहर घूमने चले। छुट्टी तो है और छुट्टी के दिन कहीं बाहर ही चलते घूमने, कुछ खा भी लेंगे इसी बहाने बाहर। और जाने से पहले एक काम करो, मेरी सफेद वाली जो कमीज है ना, उसको अच्छे से प्रेस करके रख दो, उसे पहन के जाएंगे बाजार में कहीं घूमने। सफेद कमीज? अरे नहीं नहीं, वो आधे पा चुकी है। आपके हाथ में जो ये सुन्न दाग है, ये अच्छे नहीं लगेंगे उस कमीज में। आप पूरे बाजू की कमीज डाल लीजिए। अरे तुम चुप करो, मुझे पता है कि मैं कैसे अच्छा लगूंगा। सफेद कमीज पहन के जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगूंगा, समझ गए? कैसे अल्लाह मचा देगा भाभी और भैया आपने? अरे तो सो के उठ गया सुबह सुबह? और क्या, सो नहीं रहे तुम, क्या करूँगा? अब देखो ना, बाजार जा रहे थे घूमने के लिए, मैंने इनसे बोला कि फुल बाजू की कमीज पहन लो, मगर ये है कि सुनते ही नहीं है। भैया भाभी सही तो कह रही है, जाते भी डॉक्टर के पास। आप डॉक्टर के पास? तू चुप कर, चल मेरे को। ठीक है मैं जा रहा हूँ, सोने मत जाओ। सुबह सुबह ना दिमाग खराब मत करा करो मेरा, जब देखो दिमाग खराब करती रहती हो। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते रमेश भैया। अरे क्या हाल चाल है किशन लाल तेरे, जरा बता भाई। अरे हाल भी ठीक है, सब चीज ठीक है। सुबह सुबह दिमाग खराब करके रखा इसने। अरे क्या बात हो गई भाभी जी, इतना गुस्से में लग रहा है, क्या बात हो गई? अब देखिए ना भाई साहब, इनके हाथ में कई दिनों से ये सुन्न दाग से हो रहे हैं, और मैं इन्हें बहुत दिन से समझा रही हूँ कि आप लापरवाही बिल्कुल मत करो, जा करके डॉक्टर को दिखाओ, मगर ये है कि मेरी सुनता ही नहीं है। जल्लाल ये तो ठीक बात है, और भाभी जी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए ना। अरे अब तू भी समझा ले, सुबह सुबह छोटा वाला समझा के गया, फिर ये समझा रही है, अब तू भी मेरी छाती में चढ़ जा। अरे मेरे भाई मेरी बात सुन, देख तू एक काम कर, भाभी जी की तसल्ली के लिए डॉक्टर साहब के पास चल दे। अच्छा। देख हमें किसी भी छोटी सी छोटी बीमारी को लापरवाही में नहीं लेना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, समझा? अब भाभी जी के मन की तसल्ली के लिए मेरे साथ चल डॉक्टर साहब के पास। भाई तू कह रहा है और तेरी भाभी की तसल्ली के लिए मैं चल दूंगा, लेकिन वहाँ फीस लगेगी फिर। अरे वो सब देख लेंगे, चल चलते हैं। और भाभी जी आप दो कप चाय बना के रखी है, हम यूं गए और यूं आए। अरे अदरक डाल देना चाय में, भूल मत जाना अदरक डालना। हाँ हाँ डाल देंगे, अदरक इलायची तुलसी सब डाल दूंगी। आजा यहीं बैठते हैं डॉक्टर साहब। हाँ हाँ यहीं बैठते हैं, बस आप। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए। डॉक्टर साहब ये मेरा दोस्त है किशन लाल, और देखिए इसके हाथ में ना ये कुछ दाग से हो रहे हैं। एक बात बताइए, ये दाग आपको कब से है? यही एक डेढ़ साल हो गए डॉक्टर साहब। एक डेढ़ साल हो गए? इसमें आपको कुछ महसूस हो रहा है? नहीं डॉक्टर साहब कुछ पता नहीं लग रहा। आइए मैं आपकी जांच कर लेती हूँ। आ भाई सही है कि सही समय पे डॉक्टर साहब के पास आ गए, अब डॉक्टर साहब जांच कर लेंगे और जांच के बाद बता देंगे कि हमारा किशन लाल कितने दिन में ठीक हो जाएगा। हो
वेदांत जी, देखो किशन लाल, मैंने तुम्हारी जांच कर ली है और जांच में मुझे पता लगा है कि जो तुम्हारे लक्षण हैं वो कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। क्या डॉक्टर साहब, मुझे कुष्ठ रोग? लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे तो खानदान में किसी को भी ऐसी बीमारी नहीं है। देखो किशन लाल, जो कुष्ठ रोग होता है वो कोई वंशानुगत बीमारी नहीं है, यानी कि कोई खानदानी बीमारी नहीं है और ना ही किसी देवी शक्ति का प्रकोप है। कुष्ठ रोग किसी को भी हो सकता है, छोटे को, बड़े को, मुझे, आपको या किसी को भी। और ये कुष्ठ रोग जो है वो कभी भी छूने से नहीं फैलता, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इतनी बड़ी बीमारी हो गई, घर वालों को क्या जवाब दूंगा? और मेरे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन आखिर ये बीमारी मुझे हुई कैसे? देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि बीमारी होती कैसे। ये जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया यानी कि एक जीवाणु के कारण होती है। उस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, उसके कारण ही ये बीमारी होती है। जब कोई कुष्ठ रोग का व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके जो सांस के द्वारा जो भी छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, जब वह किसी स्वस्थ रोग के शरीर के अंदर जाती है तब वो बीमार हो जाता है। लेकिन इस बीमारी को पता लगने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लग जाता है। ये बीमारी बहुत जल्दी से पकड़ में नहीं आती, इसमें समय लगता है। और हाँ, इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। अरे डॉक्टर साहब, लक्षण तो आप बाद में बताना, पर एक बात ये बताओ, मैं इसे घर से यहाँ तक आपके पास लेकर आया हूँ, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा का क्या मतलब? अरे कहीं इससे ये मुझे ना हो जाए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बीमारी छूने से, साथ रहने से, साथ बैठने से, साथ खाना खाने से या एक ही शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। ये सिर्फ एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है और इसके लक्षण भी होते हैं, जैसे कि शरीर में सुन्न दागों का होना, दर्दहीन घाव का होना या शरीर में गांठों का बनना। और अगर इस बीमारी का इलाज आपने समय रहते नहीं करवाया तो शरीर में लकवा मार सकता है या फिर विकलांगता भी हो सकती है। तो इसका जो इलाज है वो आप जल्द से जल्द करवाइए जब भी आपको पता लगता है। डॉक्टर साहब, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और साथ में मेरे बूढ़े माँ बाप। अगर उनको ये बात बताऊंगा कि मुझे कुष्ठ रोग हो गया तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? और अपने बच्चों का तो मैं बुढ़ापे का सहारा समझता था, अब तो मेरे बुढ़ापे में भी कोई साथ नहीं देगा। देखो किशन लाल, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा जो इलाज है वो 6 महीने से लेकर 1 से 1.5 साल तक चलेगा, जिसमें तुम्हें मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाएगा। ठीक हो सकता हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल तुम ठीक हो सकते हो। और हाँ, सरकारी अस्पताल में इसकी दवाइयाँ जो है वो मुफ्त दी जाती हैं। फिर तो डॉक्टर साहब, मेरा जल्द से जल्द इलाज कीजिए, मैं भी ठीक होना चाहता हूँ। ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कुष्ठ रोगी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका आत्मसम्मान बढ़ाना चाहिए। उसके साथ भेदभाव बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये जो बीमारी है वो छूने से नहीं फैलती। ठीक है, तो आप कुछ दवाइयाँ जो देनी है वो दीजिए, मैं खानी चालू करूंगा। किशन लाल, मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट करूंगी, उसके बाद हम जल्द से जल्द तुम्हारा इलाज शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। अरे सुनीता, हाँ आ गया। अरे क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने क्या कहा, कैसे बताऊं तुझे? बताइए तो सही, आखिर क्या बात है? डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे कुष्ठ रोग है। रोग? अरे भाभी, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे तो क्या हो गया, तुम इतना घबरा क्यों रहे? अभी दूर रहना इनसे। दूर रहना? आज से भैया आपका, आपके बर्तन और आपका कमरा सब अलग करेंगे हम, हमारे साथ नहीं होगा आज से। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम उनके भाई हो, कम से कम तुम्हें तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए आप मेरे साथ, ठीक हो जाएंगे आप, घबराइए नहीं। और इस तरीके से किशन लाल ने अपना इलाज शुरू करवा दिया। और कुछ समय बाद आइए देखते हैं क्या हुआ। क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं मैं।
भाई को लेके इतना परेशान हो चुका हूँ मैं, क्या बताऊँ, बीमारी से इतने परेशान है मेरा भाई, कैसे भी करूंगा ठीक, कैसे होगा ठीक, घर का मामला। अरे भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे क्यों छुपा रहे हो बताओ। बीमारी के बारे में भी शर्म आती है ना। अरे भाई ऐसी क्या बीमारी हो गई ये तो बताओ कि भाई तुम इतना डर रहे हो और बता नहीं रहे हो किसी को। भाई भाई को कुष्ठ रोग हो गया। भाई कुष्ठ रोग हो गया? अरे ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, ये बीमारी ना रिश्तेदारी भाईचारा दोस्ती यारी कुछ नहीं देखती है भैया, ये तो ना अपना शिकार ढूंढती है शिकार। और मैं तो कह रहा हूँ तुम भी थोड़ा दूर ही रहना भाई। शिकार? भाई इसलिए तो मैंने दूर कर दिया अपने भाई को, कमरा अलग कर दिया, उसके बर्तन अलग कर दिए, उसका मैंने बिल्कुल ही अलग कर दिया भाई अपने से। बिल्कुल सही करा तुमने। अरे चुप करो मोहन, किशन लाल तुम्हारा भाई है और तुम एक ही घर में रहते हो, और एक घर में रहने के बावजूद भी अपने सगे भाई से इतना भेदभाव, ये अच्छी बात नहीं है समझे। भाई मुझे तो तुम्हारी भी चिंता हो रही है भाई, तुम ही ले लेके घूम रहे थे डॉक्टर के पास उसे, देखा था मैंने जाते थे। अरे मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है, और तुम भी चुप करो, जिस बात के बारे में तुम लोगों को जानकारी नहीं है उस बात की ऐसी भ्रांति तुम लोगों को नहीं फैलानी चाहिए समझे। भाई इन्हें क्या पता, ये तो मेरी बीमारी का मजाक बना के रखे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कैसी मजबूरी में तुमने मेरा साथ दिया है। दवाइयां दिलवाई है, मेरे बच्चों को देखा है, और ऐसी बीमारी में कोई किसी का साथ भी नहीं देता। अरे किशन लाल मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि तुम्हारा साथ दे सकूँ, और मैं सभी को बता दूँ कि ऐसे समय में हम लोगों को व्यक्ति का साथ देना चाहिए, ना कि उससे भेदभाव करना चाहिए ठीक है। चलो आओ, लेकिन एक बात सुनो, तुमने तो साथ दिया, क्या ये लोग जो खड़े इनसे पूछो ये कुष्ठ रोग के जो व्यक्ति होते हैं उनका साथ देंगे, पूछ के देखो एक बार। क्यों भाइयों बहनों आप लोग साथ दोगे ना, हाथ खड़ा करके बता दो। हाँ बिल्कुल, ताली बजा के बता दो एक बार जोरदार। देखो किशन लाल हमारे साथ साथ ये लोग भी समझ गए और ये तुम्हारा भाई भी समझ गया। चलो आओ चलते हैं। तो देखा और अब हमारे समाज में पता नहीं कितने ऐसे किशन लाल हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब NLR इंडिया फाउंडेशन लोगों को जगह जगह जाकर जानकारी दे रही है, जगह जगह नुक्कड़ नाटक करवा रही है, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। तो इसलिए तो कहती है जागो जागो रे भैया, जागो जागो रे बहना। तो साथियों ये था हमारा एक छोटा सा जानकारी भरा नुक्कड़ नाटक, उम्मीद करते हैं कि नाटक आपको पसंद आया होगा।